पिछले रमज़ान शरीफ में बड़ा अजीब वाक़या हुआ, और ऐसा वाक़या कि मैं उसको सोचता हूँ तो जिसे हम कहते हैं ना कि एक टर्निंग पॉइंट होता है। तो हमारे बाबा जी हैं, मैंने उनको फ़ोन किया, मैं उनकी खैर खरीद के लिए फ़ोन करता रहता हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे लिए दुआ करें। तो वो कहने लगे, पुत्र क्या दुआ करूँ तुम्हारे लिए? मैं कहा मेरे लिए मग़फ़रत की दुआ करें। तो वो कहने लगे कि भाई मग़फ़रत की दुआ का तो तरीका ही बड़ा आसान है, और मग़फ़रत की दुआ के कबूल होने की भी गारंटी है, बशर्ते के जैसा मैं कहता हूँ वैसे करो। तो मैंने कहा मुझे बताइए। तो कहने लगे मग़फ़रत की दुआ करने का ये तरीका है कि आप अल्लाह पाक से ये कहें कि अल्लाह पाक इस दुनिया में जितने लोग रहते हैं ना, मैंने उन सबको माफ़ किया, आज से मेरा किसी से झगड़ा नहीं, किसी से लड़ाई नहीं, मेरे दिल में किसी के बारे में कोई नेगेटिविटी नहीं, मेरे दिल में कोई बोझ नहीं, मेरे दिल में किसी के बारे में कीना नहीं, तेरी मखलूक जितनी भी यहाँ रह रही है मैंने उन सब को माफ़ किया, लिहाजा अब मैं तुझसे गुजारिश करता हूँ कि तुझे मुझे माफ़ कर दे। ये बात सुनी तो मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, और मैंने ये सोचा कि हम हर वक्त अल्लाह के सामने मग़फ़रत की और इस्तग़फ़ार करते हैं और माफ़ी की दरख्वास्त करते रहते हैं, लेकिन हम खुद अपने तौर पर किसी को माफ़ करने को तैयार ही नहीं है। जिससे हमारा छोटी सी किसी बात पर झगड़ा है तो उस झगड़े को दिल में लेकर हम क्या क्या उसके नुकसान के मंसूबे नहीं बनाते, कैसे हमारे मुकदमात चल रहे हैं, कैसी हमारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, कैसे हमारे झगड़े चल रहे हैं, और ये नहीं कि औरों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने अजीज व अकारिब के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ हम एक ही दफ्तर में एक ही जगह पर काम करते हैं, उनके साथ ज़रा ज़रा बात पर हमारे तनाज़ात चल रहे हैं और हम उनको नुकसान पहुँचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, और दूसरी तरफ हम यानी इबादत करके अल्लाह से मग़फ़रत चाहते हैं। तो वो बाबा जी की बात मेरे दिल पे ऐसे लगी, मैंने कहा कि हमें तो हक नहीं है अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़रत मांगने का अगर हम खुद अपने अंदर माफ़ करने की इस्तेआत और जज्बा पैदा नहीं करते। तो ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी, तो मैं चूँकि आपने ये ज़िक्र किया था तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये बात शेयर करूँ।